वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपका कुक विद नफीसा के चैनल में। तो विंटर का सीज़न आते ही हमारे घरों में क्या होता है, तरह तरह के लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं इसी तरह से एक लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं बनाऊँगी तिल और ये मूंगफली के गुड़ के साथ। तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं और इसको आप बना के आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन तक, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने गरम पैन में क्या किया है कि मूंगफली लिया है, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। अब यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो पीनट्स हैं अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इसको मैं क्या करूंगी कि एक प्लेट में मैं इसको निकाल लूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। अब सेम पैन में मैं क्या करूंगी कि एक कटोरी में यहाँ पे तिल ऐड करूँगी और इसको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। और ध्यान रहे, इसको बहुत सावधानी से हम रोस्ट करेंगे क्योंकि तिल बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इसको आराम से और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे, और तिल को जो है हम बराबर चलाते और हिलाते रहेंगे ताकि जो तिल है वो इवेनली पूरा अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। अब यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि तिल भी हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, तो अब इसको भी हम एक थाली में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। देखिए, तिल हमारा यहाँ अच्छे से रोस्ट हो चुका है और तिल में से बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आ रही है, तो अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। अब एक पैन में यहाँ क्या करूँगी कि मैं एक चम्मच देसी घी ऐड करूँगी। और देसी घी जब हमारा पिघल जाएगा तो उसमें मैं जितना मैंने तिल लिया था उसी के बराबर मैं यहाँ पर गुड़ लूँगी। गुड़ को मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा कूट कर इसको इस तरह से कर लिया है ताकि पिघलने में आसानी रहे। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब गुड़ को हमें क्या करना है कि अच्छी तरह से पिघला लेना है। गुड़ को हमें ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं तो ये कड़क बन जाता है। अब जो पीनट मैंने रोस्ट किए थे उसके मैं छिलके अलग कर लूँगी और इसको क्या करूँगी कि मिक्सर की जार में इसको मैं दरदरा पीस लूँगी। गुड़ हमें पिघलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि गुड़ का जो टेम्परेचर होता है बहुत पिघलने के बाद हाई हो जाता है, तो इसे बहुत आराम से और मीडियम फ्लेम पे इसको आप पिघलाएं। और जब पूरी अच्छी तरह से गुड़ पिघल जाएगा, हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, पूरा अच्छी तरह से बस ये पिघल जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे गुड़ का हमारे टेक्सचर ऐसा हो गया है, तो इसी तरह का टेक्सचर हमें कुछ चाहिए। तो अब यहाँ पे फ्लेम हम बिल्कुल धीरे कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने जो तिल रोस्ट किया था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा सा तिल हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, और जो पीनट्स हमने पीनट्स का पाउडर बनाया था उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये सब डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। पूरा इसमें कोट हो जाना चाहिए, जो तिल है और पीनट्स का पाउडर है वो अच्छे तरह से गुड़ में हमारे मिक्स हो जाना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि मिक्सर हमारा कैसे पूरा एक सार हो गया है मिलकर, और इसमें इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। आप एक बार ये लड्डू घर पे ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से। अब इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा ठंडा होने दूंगी, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने दूंगी, नहीं तो ये जम जाएगा। तो इसको हल्का ठंडा होने के बाद इसको गर्म गर्म में ही हमें इसका लड्डू बना के तैयार करना है। अब यहाँ पे क्या करूँगी कि एक स्पून की हेल्प से मैं थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी और इसको हाथों को थोड़ा सा गीला करके और इसके लड्डू जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी। और ध्यान रहे कि ये मिक्सचर बहुत ही गर्म रहता है, तो हाथों को गीला आप ज़रूर कर लें। तो आप जिस साइज़ का लड्डू बनाना चाहते हैं उतना ये मिक्सचर एक एक स्पून से लेते जाएँ। मैंने यहाँ पर क्या किया था कि बटर पेपर की हेल्प से लड्डू देखिए कितनी आसानी से मैंने बना लिया, और ये लड्डू हमारा ऐसे बन के तैयार है। तो इसी तरह से सारे लड्डू हम बना लेंगे। तो तैयार है हमारे लड्डू, देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन दिख रहा है हमारा लड्डू। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।